अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि कुछ जिला वतन लोगों की बात हो जाए। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बुजुर्ग लोगों की बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग लोग किसी भी मुआशरे के लिए एक खजाना की मानिंद होते हैं, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान के बहुत सारे खानदानों में इन बुजुर्ग लोगों को जिला वतन लोगों जैसा ट्रीट किया जाता है। हमें इन लोगों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारी देखभाल की थी इन्होंने की थी, और वो एक बहुत बड़ा एहसास है। अच्छी इंसानी और समाजी खिदमत इन लोगों को ज़्यादा आज़ाद ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने में मदद कर सकती है। पाकिस्तान के मुआशरे में पहले इन लोगों की ज़िंदगी पुर लुत्फ और पुरसकून बनाने के लिए हिकमत और नुक्ता नज़र से काम लिया जाता था, और जिसकी वजह से इनकी उम्रें बहुत लंबी तवील हुआ करती थी। क्योंकि बुजुर्गों में आज़ादी की हौसला अफजाई, इनकी सेहत और तंदुरुस्ती की लंबी उम्र के लिए इंतहाई अहम है। उसके लिए लाजमी है कि जिस्मानी सरगर्मियाँ यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व किया जाए, जैसा कि पहले होता था और पहले हम देखते थे। और दूसरी बात है समाजी रहना, स्टेइंग सोशल। पहले उताक बैठक और चौपाल में ये लोग बैठ के जो सोशलाइजेशन का अमल होता था वो बहुत तामीरी, और नतीजन ये लोग लंबी उम्र तवील उम्र वाले हशाश बशाश जिंदगी गुजारते थे। और तीसरी, पाकिस्तानी मुआशरे में पहले बहुत हेल्दी एक्टिविटीज हुआ करती थी, जिसके नतीजे में इस मुआशरे के लोगों को दे यूज्ड टू बी विद हेल्दी माइंड। आज क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव एक्टिविटीज की वजह से उनके माइंड्स भी नेगेटिव हो गए हैं। तो अब इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? अपने बुजुर्गों को किस तरह हम इंजॉय करा सकते हैं, इंटरटेन करा सकते हैं, और इनकी जो इंडिपेंडेंस है हाउ कैन वी मेंटेन इट? उसके लिए लाजमी है कि सेहतमंद गिजा का एहतमाम करें, ईटिंग हेल्दी, क्योंकि ये लोग सेहतमंद गिजाएं खाकर इन्होंने अपनी जिंदगी की बहारें देखी हैं। और आजकल पाकिस्तान के अंदर हर चीज मिलावट है, नथिंग इज प्योर इन दिस कंट्री ऑफ आर्स। कोई भी चीज पाकिस्तान में खालिस नहीं मिलती। दूसरी बात, ये हमारे मुआशरे के अंदर पोल्यूशन, डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन की वजह से, और जाहिर मिलावट की वजह से, एडल्टरेशन की वजह से, ये प्रॉपरली सही मानी में जिस तरह नींद सुकून करना चाहिए इनको नसीब नहीं है, तो उसका एहतमाम करना चाहिए। और जिस अंदाज से ये जिस्मानी और जहनी तौर पर मुतहरक रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें वो माहौल मुयसर करके दें कि ये जिस्मानी और जहनी तौर पर मेंटली, फिजिकली एंड मेंटली दे नीड टू रिमेन एक्टिव। और मामूल के मुताबिक इनकी सेहत की जांच पड़ताल करानी चाहिए। और हाँ, एक बात जहन में रखें, मैंने गांव देहात में और पाकिस्तान, शहरी पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग या तो उन्हें आँख आईसाइट की प्रॉब्लम है, आँखों की प्रॉब्लम है, डिजीज, और या दांतों के दर्द की शिकायत करते हैं। तो आँखों और दांतों का बाकायदा मुआयना कराना चाहिए। याद रखो, जब आप अपने बड़ों की इज्जत करोगे, उनकी देखभाल करोगे, तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी और आने वाली नस्लें आपकी देखभाल करेंगी। सो दिस इज द टाइम, लेट्स बी देयर केयर गिवर्स एंड द एडवोकेट्स ऑफ राइट्स ऑफ एल्डरली पीपल एंड पाकिस्तानी सोसाइटी।